बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 32 साल बाद कोई मेडल जीत लिया और 40 साल बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में जीता है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है अरशद नदीम को, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल उन्होंने जितवाया पेरिस ओलंपिक्स में। एक जबरदस्त जैवलिन थ्रो मुकाबलों में उनकी परफॉर्मेंस रही और कोई भी थ्रोअर जो है वो उनसे आगे नहीं बढ़ सका। 92.97 मीटर की थ्रो की अरशद नदीम ने और गोल्ड मेडल वो जीत गए। 118 साल ओलंपिक्स की तारीख का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। उनका पर्सनल बेस्ट भी था ये, करियर बेस्ट भी था ये, एशिया का बेस्ट भी था ये, वर्ल्ड का बेस्ट भी था और ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का बेस्ट भी था ये। तो क्या कहें, मतलब अल्फाज नहीं है, क्योंकि एक एक इरेलीवेंट से था पेरिस ओलंपिक्स हमारे लिए। कोई हमारे जो पुराने एथलीट्स थे, जो स्विमिंग में आए, जो शूटिंग में आए, जो दीगर खेलों में आए, वो कुछ ना कर सके, लेकिन अरशद नदीम ने सारी कसर एक ही खेल में निकाल दी और गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जैवलिन थ्रो मुकाबलों में जीत लिया। और नीरज चोपड़ा भी थे भारत के इसमें, जर्मनी के वेबर भी थे, फिनलैंड के भी खिलाड़ी थे, काफी टॉप खिलाड़ी थे जिन्होंने, किसी ने फिनलैंड में ट्रेनिंग की थी, नीरज चोपड़ा ने जर्मनी में ट्रेनिंग की थी, अरशद नदीम ने सिर्फ 3 हफ्ते साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग की थी, उसके बाद अपनी सारी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने की। और अब से कुछ देर बाद अभी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल भी दिया जा रहा है, उनके घर पर पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है और सब लोग आज जैसे क्रिकेट का फाइनल देखते हैं, जैसे क्रिकेट का सेमीफाइनल देखते हैं, आज सारी नजरें स्क्रीन पर थी सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम के लिए। और अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है, अनबिलीवेबल है। क्योंकि जब वो जा रहे थे तो हमारी यही उम्मीद थी कि यार कोई ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल तो जीत सकते हैं, इससे आगे शायद वो ना जा पाए, क्योंकि उनका बेस्ट जो था वो 90 समथिंग था। उन्होंने अपनी बेस्ट को भी आज क्रॉस किया और मतलब अरशद नदीम छा गए आप ये कह सकते हैं। और नीरज चोपड़ा जो कि फेवरेट थे ओलंपिक मेडल के लिए, 4 से 5 उन्होंने फाउल किए और लाइन उन्होंने क्रॉस की, और जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। अब पाकिस्तान जो है वो मेडल टेबल पर, चाहे इंडिया ने 3-4 सिल्वर मेडल जीते हैं लेकिन गोल्ड मेडल नहीं जीता, तो पाकिस्तान मेडल टेबल पर इंडिया से आगे होगा और बहुत सारे ममालिक से आगे होगा, क्योंकि ये जो रैंकिंग्स होती हैं ये गोल्ड मेडल पर होती है। सिल्वर और ब्रॉन्ज आपने जितने भी जीते हो, अगर एक गोल्ड मेडल भी किसी कंट्री ने जीत लिया तो वो ऊपर चला जाता है। तो पूरी पाकिस्तान के चैनल्स, पूरे पाकिस्तान की नजरें, चाहे स्पोर्ट्समैन कोई हो, चाहे स्पोर्ट्समैन ना हो, चाहे कोई इस खेल को समझता हो, चाहे कोई इस खेल को ना समझता हो, उसकी नजरें अरशद नदीम पर थी। दुआएं की लोगों ने और वो दुआएं जो है वो रंग लाई और आज अरशद नदीम जो है वो गोल्ड मेडल बने पेरिस ओलंपिक्स में। और अब मेडल दिए जा रहे हैं खिलाड़ियों को और यहाँ पाकिस्तान का परचम भी बुलंद होगा। मतलब एक एक अलग सी फीलिंग हमें हो रही है अभी, खुशी है, आंखों में आंसू, हर चीज, मतलब आप इस खुशी को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ये मोमेंट नहीं देखा कि पाकिस्तान ने किसी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता हो। जी 92 में पाकिस्तान ने जीता था तो हम बहुत छोटे थे उस वक्त, तो हमें याद भी नहीं है। हॉकी टीम ने जीता था 92 के बाद से अब कोई मेडल भी जीता है, और 40 साल के बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में किसी भी खेल में गोल्ड मेडल जीता है। और अरशद नदीम वो वाहिद एथलीट हैं जिन्होंने इंडिविजुअल मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता है। आज तक पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इंडिविजुअल मुकाबलों में गोल्ड मेडल नहीं जीत सका है। हॉकी टीम में जरूर जीता है टीम स्पोर्ट्स में, लेकिन इंडिविजुअल मुकाबलों में पाकिस्तान ने आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और ये जिंक्स भी जो है वो अरशद नदीम ने ब्रेक कर दिया और आज पाकिस्तान का झंडा है पेरिस में, और अभी कुछ देर बाद जब मेडल दिया जाएगा उनको, पाकिस्तान का झंडा होगा और खुशी का समय है पूरे पाकिस्तान में, उनके घर में मियाँ चन्नू में, उनके गांव में लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर मुकाबला देख रहे थे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्क्रीन्स लगाकर जो है वो मुकाबला देख रहे थे, बहुत सारे लोग टीवी पर, बहुत सारे लोग इंटरनेट पर थे, और मतलब पूरा पाकिस्तान इस वक्त अरशद नदीम के मुकाबले देखने में मसरूफ था। और इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और जोश जो है वो ठंडा नहीं हुआ, जिस तरह अरशद नदीम का
ठंडा नहीं हुआ। 92.97 मीटर की थ्रो करके अरशद नदीम ने 92 के बाद पाकिस्तान को पहला मेडल जितवाया। 92 थ्रो भी 92 की और पाकिस्तान ने लास्ट मेडल भी 92 में जीता था। जबरदस्त अरशद नदीम, छा गए आप, पूरा पाकिस्तान आपको सलाम पेश करता है।